वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों, क्रिकेट बिहार में तीसरी खुशी लेकर आई है। सबसे पहले तो बिहार का क्रिकेट से 17 साल का वनवास खत्म हुआ और बिहार की टीम को बीसीसीआई ने मान्यता दे दी। दूसरा, विजय हजारे टीम में जौहर भी दिखा रही है। इसके बाद गया के पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया में जगह बनाई और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ राजकोट टेस्ट में शतक बनाकर करियर का शानदार आगाज़ किया। वहीं तीसरी खुशी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी, जब राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। यह स्टेडियम 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां इंटरनेशनल मैच खेले जा सकेंगे। राजगीर के ठेरा और हिंदूपुर गांव के पास 90 एकड़ में 741 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बन रहा है। इसी में राज्य खेल अकादमी का भी दफ्तर होगा। यहाँ क्रिकेट के अलावा आउटडोर और इनडोर के कुल 28 खेलों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। 3 साल में निर्माण कार्य का पूरा करने का लक्ष्य है। इस कैंपस में रिसर्च सेंटर, फिटनेस सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, हॉस्टल आदि बनाए जाएंगे। इसी के पास फिल्म सिटी, आईटी सिटी, अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद केंद्र भी बनाए जाने हैं। इसके लिए बाउंड्री का काम तेजी से चल रहा। सभी योजनाओं को मिलाकर 5 किलोमीटर क्षेत्र में 4 दीवारी बनाई जानी है, जिसे 16 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी योजनाओं के लिए ठेरा हिंदूपुर व नेकपुर मौजा में 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस स्टेडियम के बनने के बाद यहां 5 सितारा होटल के खुलने की संभावना भी बन रही है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी से पहले ही इस इलाके में पहले से मौजूद है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और साथ में हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।